गुलाबी कलर की शर्ट पहने हाथ में कागज लिए खड़े ये हैं ग्वालियर जिले के घाटी गांव तहसील के वीराबली गांव में रहने वाले साबिर खान, जिन्होंने राष्ट्रपति के नाम लिखे एक पत्र को पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को दिया है। आपको बता दें कि इस पत्र में साबिर ने लिखा है कि वो और उनके परिवार के 11 लोग इच्छा मृत्यु चाहते हैं। आगे की कहानी हम आपको बताएं, उससे पहले आप खुद साबिर खान से सुनिए आखिर वो क्यों इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। सर, मेरा नाम साबिर खान है, मैं ग्वालियर जिले के ग्राम बिरावली में रहता हूँ, एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरी ये मांग है कि हमारे पिताजी का हमारी इंतकाल हो गया है, मृत्यु हो चुकी है उनकी। उनके बाद में जो हमारे पिताजी की पुस्तकैनी जमीन थी, उस जमीन का हमने नामांकन कराया, तो नामांकन कराने में हम 15 लोगों के नाम हैं। जब उसमें नामांकन कराने के बाद में देखा तो कुछ दमंग लोग भूमाफिया उस जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लॉट काटने और बजरी रेता येता डाल रहे हैं, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है। इसकी शिकायत मैंने तहसीलदार साहब के लिए सीमांकन के आदेश लगाई, तो जो उन्होंने डेट दी सीमांकन की, उस डेट को मैंने इंतजार किया तो वो आई नहीं। लेकिन वो भूमाफिया लोग आए गाड़ियों से बंदूकें लेके, वो कहने लगे कोई आने वाला नहीं है, हमारी बहुत ऊपर तक पहुँचे, हम सब लोगों को कैंसिल करवा देंगे, अगर तुम हमारी ज़्यादा शिकायतें करोगे तो हम तुम्हें मरवा देंगे, और जान से मारने की धमकियाँ देने लगे। इस चीज़ की शिकायत करके मैंने इसकी शिकायत राष्ट्रपति जी को करी है, प्रधानमंत्री जी को की है, और मुख्यमंत्री जी को की है, कलेक्टर जी को की है, और एसपी जी के लिए की है। क्या शिकायत की मांग की है? हाँ सर, मैंने ये शिकायत की है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम पूरे परिवार के 11 लोग इच्छा मृत्यु की मांग की है सर। अच्छा, तो अगर जैसे कि अगर नहीं जमीन मिल पाती तो क्या करेंगे फिर आगे का परिवार क्या करेगा? अगर सर, अगर शासन हमें जमीन नहीं दिलवाता तो सर वैसे भी हमारा उस जमीन के बगैर हमारा वही एक पालन पोषण का वही एक जरिया है, अगर वही हम पे नहीं रहेगा तो हम तो वैसे भी मर जाएंगे इस महंगाई में, इसलिए सर हम अपने इच्छा मृत्यु की जमीन पर मरेंगे। सर कितनी जमीन है? सर 1 बीघा 2 बज गए सर, 1584 नंबर है इसका खसरा नंबर। तो सुना आपने साबिर खान की बात। फिलहाल आपको बता दें कि राष्ट्रपति के नाम लिखे गए उनके आवेदन को कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय में दिया गया है, लेकिन अफसरों से इन लोगों की कोई बात अभी तक नहीं हो सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।